नमस्कार, मैं भोला यादव आज फिर आपके सामने है। आपके सामने जो है कक्षा 10 के बायोलॉजी से पार्ट 6 का जैव प्रक्रम चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैव प्रक्रम के बारे में हम आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चे, जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का अर्थ होती है प्रक्रिया, मतलब जीवों की प्रक्रिया, है ना। कैसे हम बताएंगे कि कोई वस्तु सजीव है, जीव है, और कौन वस्तु निर्जीव है। इसी प्रोसेस के तहत हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु जीव है और कौन निर्जीव है। जैसे किसी भी जीव के ये लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन, जीव वह है जो सांस लेता है, जीव वह है जो भोजन करता है, उसका डाइजेशन पाचन करता है, जीव वह है जो उत्सर्जन करता है यानी अपने शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, उत्सर्जन, संवहन माने उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वे सजीव हैं, और प्रजनन, प्रजनन का अर्थ होता है कि जीव वह जीव है जो अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है, वे प्रजनन। ये पांचों लक्षण जिस वस्तु के अंदर समाहित हो वह सजीव है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, लेकिन अपने पर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सजीव हूं, इसलिए सजीव हूं कि मैं सांस लेता हूं, भोजन करता हूं, उसका पाचन होता है, उत्सर्जन, संवहन, प्रजनन, ये समस्त क्रियाएं मेरे अंदर होती हैं, इसलिए मैं लिविंग थिंग हूं, सजीव हूं। एक जैसे मकान हो या गाड़ी हो, यह निर्जीव है, वह निर्जीव इसलिए है कि उसके अंदर न तो सांस लेते हैं, न भोजन का पाचन, न उत्सर्जन, न संवहन, न प्रजनन। जैसे एक ईंट है, उसको कितना हो दिनों तक रख दिया जाए तो वह 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, इसलिए पत्थर या ईंट क्या है, निर्जीव है। एक एग्जांपल में आ सकता है कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी जो है वह धुआं फेंकती है, उससे हवा लेती है, ठीक है, धुआं लेती है, सांप धुआं देती है, तो वह क्या सजीव है, लेकिन नहीं, उसको चलाने वाला कोई लिविंग थिंग होता है, तब वो प्रोसेस करते हैं, इसलिए वह सजीव नहीं है। कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्या आप सजीव हैं, तो बताइए कि हाँ मैं सजीव हूँ, इसलिए सजीव हूँ कि मेरे अंदर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन, प्रजनन, ये समस्त क्रियाएं होती हैं, इसलिए मैं सजीव हूँ। इन्हीं एक एक के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे श्वसन, श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है ना, श्वसन किसे कहते हैं, इसकी मैं परिभाषा बताता हूँ कि श्वसन, ये हम बताने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। कहा जाता है कि श्वसन इज ए प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉल्ड रेस्पिरेशन या रिस्पायरेशन, ठीक है, यानी वे समस्त जीवधारी जो सांस लेते हैं, अपने सांस श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, वह प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है। ये जनरल डेफिनेशन है श्वसन के, लेकिन हम श्वसन के बारे में बताएंगे। देखिए, एक होता है श्वसन के बाद होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि जीव जो है जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन को शरीर के समस्त कोशिकाओं में कैसे पहुंचाता है, ये प्रक्रिया जो है कोशिकीय श्वसन कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल आपका ये देखेंगे,
कोष। देखिए श्वसन के ये हमारा श्वसन तंत्र है, यह है श्वसन तंत्र। ठीक है ना, श्वसन तंत्र में ये पहले जब हम सांस लेते हैं तो नाक नोज, देखिए नोज का फिगर हमने नहीं बना पाया है, ये नोज है, यहां से इसका संबंध ऐसे होता है, इस तरह से जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा तो ग्रसनी, ग्रसनी के द्वारा या घाटू में आता है, घाटू से श्वसनिका के द्वारा या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह की होती हैं, ये फेफड़े में आता है, फेफड़े में आने के बाद ये ऑक्सीजन जो है, हवा जो है, हमारे छोटे छोटे फेफड़े में लगभग 30 लाख के लगभग छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें वायु कोष या एल्वियोलाई कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन फिलअप हो जाती है और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल लगी रहती है, ठीक है ना, रुधिर केशिकाएं। ये रुधिर केशिकाएं करती क्या है कि ये रुधिर कोशिका जो करती क्या है कि इसमें ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं इसमें जो O2 आती है, O2 इसमें भरी रहती है और इसमें से इसको ग्रहण कर लेती है O2 को, ठीक है ना, विसरण के द्वारा, ठीक है, विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्र वाले पदार्थ कम सांद्र वाले पदार्थ की ओर गति करते हैं, अर्थात फेफड़े के वायु कोष में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और वह ब्लड में जा करके मिलती है और ब्लड में एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ऑक्सीजन ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी रुधिर का हीमोग्लोबिन वायु के ऑक्सीजन के साथ मिल करके और ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यह रुधिर के साथ मिल करके और पूरे शरीर में यह पहुंचता है और वहां ऑक्सीजन के साथ मिल करके, ठीक है,